हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आईआरसीटीसी से रिलेटेड दोबारा बातें करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आईआरसीटीसी के रिजल्ट आ गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आईआरसीटीसी से रिलेटेड बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एक तरीके की खुशखबरी है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, रिजल्ट के बाद उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, हम आगे बढ़े इस वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज हमने एक मुहिम शुरू करी थी कि नीचे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो लिंक क्या है, श्री राम जन्मभूमि का एक टेम्पल बन रहा है, ओके, उसके लिए डोनेशन का ये लिंक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधे उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और जाके यहाँ पर जितना चाहे अपने श्रद्धा के हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। एज वेल एज नीचे एक डिस्क्रिप्शन में और लिंक है, जहाँ पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के साथ नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है। फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा और एज वेल एज 30 डेज के लिए, मतलब 30 दिन के लिए, अगर आप कोई ट्रेडर है, मैं ऐसा ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता, बट स्टिल अगर आप एक ट्रेडर है तो वहाँ पर जाके आपको 30 दिन के लिए आप अकाउंट ओपन कराते हो। 30 दिन के लिए फ्री में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, आपकी ट्रेडिंग वहाँ पर फ्री होगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में जैसे कि बताना चाहता हूँ, आईआरसीटीसी, तो आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स आ गए हैं सामने, आप देख सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी ये रिजल्ट्स है, ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स है अमाउंट इन लैक्स में है। ओके, मैं आपको रिजल्ट्स पढ़ के दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखिए, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट्स है, ये फिर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है, और ये लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर के रिजल्ट्स है, मतलब दिसंबर के 2019 के रिजल्ट्स है। तो तीनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है, पहले कोविड आ गया था, सारी की सारी ये ट्रेनें थी बंद हो गई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस हैम्पर हुआ था। जो इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें यहाँ पर लॉस दिखाया गया था। बट अभी अगर हम देखेंगे तो देखिए, पहले जब लास्ट ईयर का क्वार्टर था, तो 71,598.41 लाख रुपीज़ का यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू था ऑपरेशन से। ऑपरेशन मतलब जो ट्रेन के जो बिजनेस है उससे रिलेटेड। और लास्ट अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, सितंबर की, तो देखिए यहाँ पर 8,855, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर डाउन होते हुए आपको नज़र आता है, आप खुद देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी ट्रेनें बंद थी। एज वेल एज अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, तो देखिए इस क्वार्टर में ईयरली बेस पे तो ऑब्वियसली बात है, अभी फुल स्पीड से फुल्ली ऑपरेशनल वर्क नहीं है, तो इस वजह से आपको गैप ही मिलेगा। तो बट अगर हम क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर देखें, तो क्वार्टरली बेस पे लगभग लगभग आपको 3 गुना या 2.5% कह सकते हैं कि यहाँ पर जंप दिखाई गई है। तो जहाँ पर 8,855 था, वहाँ पर अभी 22,437 लाख रुपीज़ का यहाँ पर आपको रिवेन्यू होता हुआ नज़र आया है। और अदर इनकम की भी बात करें, तो अदर इनकम यहाँ पर देखिए, अदर इनकम बढ़ती हुई नज़र आई है ईयरली बेस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे। बट अदर इनकम को हम ज़्यादा मानते नहीं है, ज़्यादा मायने नहीं देते, क्योंकि जो बिजनेस ऑपरेशन से आता है, जो कंपनी जिससे रिलेटेड काम करती है उससे आता है, तो उसमें उसी को हम मान के चलते हैं, क्योंकि अदर इनकम कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। और अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पर देखिए 24,523 करोड़ रुपए का, अभी 523 लाख रुपीज़ का यहाँ पर हुआ है। ओके, और अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो 10,872 था, और इस अगर लास्ट उससे पहले की बात करें लास्ट ईयर की, तो 73,498 लाख रुपीज़ का यहाँ पर हुआ था। तो देखिए, ईयरली बेस पे दोबारा वही सेम स्टोरी, आपको कम होता हुआ नजर आएगा। बट अगर हम यहाँ पर बात करें क्वार्टरली बेस पे, तो देखिए लगभग 2.5 गुना यहाँ पर ज़्यादा होता हुआ बिजनेस नज़र आया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, और हमें इसी चीज़ से एक आइडिया आ जाएगा कि आगे चल के हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमें आईआरसीटीसी में हमारा प्रॉफिट, हमारा जो शेयर है, भागता हुआ नज़र आएगा, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में देखने को आएगा। एक आइडिया इससे लग सकता है। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, क्योंकि एक्सपेंस भी होते हैं अगर कोई बिजनेस होता है, तो जहाँ पर लास्ट क्वार्टर 10,441 था, वहाँ पर अभी 14,074 है, जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट क्वार्टरली और ईयरली बेस पर भी यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर इतना है अभी। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट कितना है, 10,438, ये टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। ओके, एंड और लास्ट क्वार्टर कितना था, 4,667, मतलब अगर बात की जाए तो दोगुना हुआ है इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है। ओके, और ईयरली क्वार्टरली बेस पे, अगर ईयरली बेस की बात की जाए, तो ईयरली बेस पे अभी भी लगभग 3 गुना कह सकते हैं, अगर हम एक बात करें तो 3 गुना कम होता हुआ हमें नज़र आया है। अगर प्रॉफिट बिफोर या नेट प्रॉफिट एनपीएटी की बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखिए यहाँ पर
लगभग लगभग डबल होता हुआ हमें नज़र आया है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा, मतलब जहाँ पर 32,63.46 लाख रुपीज़ था वो बढ़ के 78,08.57 लाख रुपीज़ होता हुआ नज़र आया। बट ईयरली बेसिस तो यहाँ पर कमी है, बट एज सुन एज जैसे ही गाड़ियाँ चलने लग जाएगी 6 मंथ के अंदर अंदर और या एक ही क्वार्टर के अंदर अंदर हमें ये इसी लेवल पर आता हुआ नज़र आ सकता है। और क्या अगर इतना भी नहीं होता, अगर एंड ऑफ द ईयर भी आता नज़र आता है ना, तो आप हमें हमारा प्रॉफिट निकलता हुआ नज़र आ जाएगा साफ के साफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेस जंप है और ईयरली बेस पे यहाँ पर अभी भी डाउन है, बट नो इशू, हमें पता है किस वजह से डाउन है। तो अगर हम सिंपल अगर बात करें रिजल्ट्स की, अगर हम ईपीएस की बात कर लेते हैं, तो ईपीएस से रिजल्ट का पता चल जाता है। तो देखिए लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर था 12.86, जो कि फिर लास्ट क्वार्टर 2.04 हुआ, और उसके बाद अभी लगभग डबल ही है 4.88। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली वाइज हमें जंप होती हुई नज़र आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस एज वेल एज अगर हम बात कर ले कि किस रेवेन्यू ने कितना कितना कमा के दिया है ईयरली बेस, क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेस पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो कैटरिंग का बिजनेस देखिए अभी तक फुली ऑपरेशनल है ही नहीं, क्योंकि लोग अपना ही खाना ले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, अगर ट्रैवल भी करते हैं तो। यहाँ पर कैटरिंग का बिजनेस फिर भी अगर देखा जाए तो 3 गुना यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। ओके ईयरली बेसिस पे देखिए यहाँ पर घटता हुआ नज़र आया है, बट क्वार्टरली बेस पे हमें नज़र आया, जहाँ लास्ट क्वार्टर 1716 था वो अभी लगभग 4895 होता हुआ नज़र आया। अगर रेल के जो रेल नीड भी है, क्योंकि आप देखते हैं रेल का पानी मिलता है, रेल नीड के नाम से पानी मिलता है, तो वहाँ पर भी अगर देखिए लगभग लगभग जो 924 था वो अभी बढ़ के 1693 हो गया है, जो कि अभी भी ईयरली बेस पे कम है, बट क्वार्टरली बेस पे हर चीज पैरामीटर पे यहाँ पर जंप नज़र आ रही है। अगर इंटरनेट टिकट की बात करें, क्योंकि IRCTC के थ्रू ही वो एक ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बुक करने का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जंप होता हुआ, और जंप भी कितना 3 गुना लगभग जंप होता हुआ नज़र आया है। ओके 3 गुना तो नहीं कहेंगे, 2.5 कह सकते हैं। तो यहाँ 5,829.62 लाख रुपीज़ का यहाँ पर टिकट बुक होती हुई नज़र आई थी, वहाँ पर अभी देखिए कितनी इंटरनेट टिकटिंग 14,302.08 यहाँ पर होती हुई नज़र आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें पिछले ईयर से तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी ही हमें पीछे है, लगभग कितना अगर बात की जाए तो 600 कह सकते हैं 6,000 के लगभग यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आया, क्योंकि हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। टूरिज्म भी यहाँ पर देखिए लास्ट क्वार्टर से लगभग 3 गुना बढ़ता हुआ नज़र आया है, और ईयरली बेसिस पे काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो टोटल रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे कम, बट क्वार्टरली बेसिस पे हमें जंप नज़र आ रही है। तो इस बार का रेवेन्यू 22,437.37 लाख रुपीज़ का यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नज़र आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और हमें ये बढ़ता हुआ आगे की तरफ नज़र आएगा। इसी वजह से अगर हम आज के डेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए इंडियन रेलवे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये शेयर आज की डेट में लगभग लगभग 1500 कह सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं 1496 रुपीज़ तक गया था। ओके यहाँ तक जाके थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर 2.2% की 2.6% की यहाँ गिरावट हुई, बट स्टिल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जंप लगानी शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर। अगर अगर कल की डेट में ये भागता है ना, तो एक न्यूज़ आपको आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। और बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका जो ओवरऑल हाई था लगभग 1994 रुपये था, जो कि अभी लगभग बात की जाए तो 500 रुपये से ज़्यादा का यहाँ पर गिरावट है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो आज की डेट में लगभग 26 से 27% की डिलीवरी 7,43,354 करोड़ रुपए का यहाँ पर सॉरी 354 शेयर्स की यहाँ पर डिलीवरी बेस पे उठाए गए हैं। और अगर हम एक पैरामीटर यहाँ पर अब देख लीजिए, कि लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, फिर दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग गवर्नमेंट ने कम कर दिया OFS के थ्रू 67.4, बट यहाँ पर खरीदी किसने हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, लगभग जहाँ पर लास्ट क्वार्टर 88.88 था वो अभी बढ़ के 8.38 हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए आप भी यहाँ पर इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एज वेल एज DIS की बात करें, जहाँ पर 1.65 था वहाँ पर अभी हो गया 7.65। तो यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर DIS एज वेल एज FIIs ने यहाँ पर एक्यूमुलेट करना इस शेयर को शुरू कर दिया है, और उन्होंने रख लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 2-3-4 महीने में ये जो प्रोग्रेस है, ओके जो ये है, ये शेयर भागता हुआ आपको नज़र आएगा, तो इसलिए इसकी तरफ आप ध्यान बना के रखिएगा।
तो यहाँ पर पब्लिक के पास भी 16.55% की हिस्सेदारी है। ओके, तो आप भी इस शेयर की तरफ नज़र बना सकते हैं, एज वेल एज एक न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। देखिए, गुड रिजल्ट, तो मतलब गुड अच्छे रिजल्ट आए हैं यहाँ पर। तो बिफोर 31 मार्च आई थिंक मेक न्यू 52 वीक आई। तो कहा जा रहा है कि जो IRCTC का ये शेयर है 31 मार्च तक ओके अपना न्यू 52 वीक हाई बना सकता है। मतलब कितना, जो इसका 52 वीक हाई कितना है अभी, लगभग 2,000 रुपये है कह सकते हैं। तो इसकी बात की जा रही है कि लगभग 2200-2300 रुपये तक ये शेयर विद इन 1 या 2 महीने 2 महीने में मिले, तो 2 महीने में न्यू फ्रेश 52 वीक हाई लगा के 2200-2300 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। तो इसलिए अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लीजिएगा। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ से बता रहा हूँ, और इसलिए मैं जो न्यूज़ है वही बता रहा हूँ। देखिए, मनी कंट्रोल से आई है, तो 52 वीक हाई यहाँ पर 31 मार्च से पहले लगा सकता है। तो इसकी तरफ ध्यान बना के रखिएगा, अच्छे रिजल्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, DIS ने, ओके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर शेयर खरीद के रख लिए हैं। ओके, अगर आप फ्रेश इशू आप खरीदना चाहते हैं, तो आप कल की मार्केट को देख लीजिएगा, शायद एक नया जंप मिले। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को आज यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल जो आपकी आपका खुद का चैनल है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, एज वेल एज बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।